बहराइच वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत जनपद बहराइच में बड़े पैमाने पर औषधीय पेड़ों को रोपण को कार्य किया गया है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद औषधीय पौधों की रोपाई की और इस दौरान जनपद में मेगा अभियान चलाकर एक दिन में तकरीबन 80 लाख औषधीय पौधों के रोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर जिले में PWD वन विभाग एवं राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के द्वारा जिले में रिकॉर्ड तोड़ पौधारोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजी दवाओं को छोड़कर लोग आयुर्वेदिक उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेगा अभियान चलाया गया। मंत्री जी, आज आप बहराइच आए हैं, आपने आयुष्मान में पौधरोपण किया है, क्या कहना चाहेंगे? सौभाग्यशाली है कि पुनः इस देश को संरक्षित करने के लिए भारतीय संस्कृति की उस विद्या को जिसे आयु को बढ़ाया जाए, आयुष जिसे उस वेद से आयुर्वेद मतलब बढ़ाई जाए, उन पौधों को फिर से हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ के अधिकारी जितने भी हैं, DM महोदय, SP हैं, चाहे DFO हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी हैं, दोनों दाहिने बाएं हमारे प्रमुख जी हैं, MLC हैं, ये सारे लोगों का सराहनीय है। और आज के दिन में मीडिया बंधु जो इतना दूर चल के आए, तो शहर में बेचारे रहते हैं, उन्हें धूप में लाना, इस अभियान जो मोदी जी का है कि वो एक एक पौधा लगाने से एक एक जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है, क्योंकि पौधा न रहने की वजह से ऑक्सीजन की कमी और दुनिया भर का बीमारी ये है। आज के दिन में पौधों पर आधारित बीमारी है, पहले पौधों से बीमारी ठीक की जाती, जंगल में एक भी जानवर कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं है, उसी पौधों को खा के फिट हो जाता है, पूरा जीवन जीता स्वस्थ, और उसके आगे सामने कोई नहीं आता डर के मारे। शेर भी ऐसे जानवर का भक्षण करता है जो शाकाहारी हो, शेर कभी मांसाहारी जानवरों पर अटैक नहीं करता। इसका मतलब ये पौधे चाहिए, इस पौधों के लिए आज के दिन में इस जिले को इसलिए बधाई दूंगा कि वन की जो लक्ष्य था वो 15% था, ये जिला 19% है। मैं अभी और देशों की यात्रा करके आया हूँ, वहाँ वन 40-50-60% है, वहाँ डॉक्टर अस्पताल है नहीं, वहाँ रोग है नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे ये वन को बढ़ाकर हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, लोगों की आय बढ़ा सकते हैं, आयुष से आयु तो बढ़ाएंगे, आय भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये जो लोग हैं आज के दिन में गांव में हमारे